तो चलते प्रथम आम नोटिफिकेशन डिस्कसन करदे नेक्स्ट आम एस सी पे आम कमी कौन आप्लाई करेंगे से रिलेटेड डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो देखो ओडिशा पुलिस जो पीएम टी ड्राइवर आपके वैकेंसी बाहर आसाला तो तार बर्तमान डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कराई तो से रिलेटेड आम बर्तमान डिटेल डिस्कसन करदे आपर एज क्राइटेरिया कौन रही है आपंकर क्वालिफिकेशन कौन रही है आपंकर फिजिकल क्राइटेरिया कौन रही है डिटेल डिस्कसन करदे और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हूँ जो पाने भी एस सी बी सी कैटेगोरी बिलंग करते तो सेप्लाई करना एज रिलैक्सेशन दि जाए ना ठीक अच्छे। तो एस सी बी सी आपने अलरेडी समस्त जानते जिते सब भी पूर्व आपंकर ओपीआर भी हो कि फायरमैन हो से आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिली तो से कौन से पोस्ट नथले भी आपण मैंने युअर पोस्ट को क्लेम कर पार्थले ठीक अच्छे। तो एथिरे गोटे आपंकर व्यतिक्रम देखा मिली जो ओडिशा पुलिस जो पीएमटी ड्राइवर वैकेंसी बाहर तो से एस सी बी सी पोस्ट टोटल आप जीरो ठीक अच्छे। तो पोस्ट नाला कि आपको सबुति एज रिलैक्सेशन मिलता है जमी आप बाटालीयन मिली कि युअर पोस्ट को क्लेम करेंगे ठीक अच्छे। तो एथिरे कौन कर एस सी एस टी आपको 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिली कि एस सी बी सी आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिली ना तो से आपति कौन आप्लाय करेंगे तार डिटेल प्रोसीडियर मुझे बतईदेवी। तो जो मैंने भी न्यू अच्छे भिडियो शेष पर्यटन देखते मुझ लास्ट डिटेल प्रोसेस बतईदेव आपमी कौन आपने एस सी बी सी पे आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे। तो से आम मैंने गोटे ग्रुप करेंगे जॉइन करेंगे मुझे लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करदेवी। तो चलते प्रथम आम नोटिफिकेशन डिस्कसन करदे नेक्स्ट आम एस सी बी सी पे कमी कौन आप्लाय करेंगे से रिलेटेड डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो ये आपने नोटिफिकेशन देख पार्थे जो नोटिफिकेशन आपर आसी तो ए टोटाल 405 गोटी आप पीएम टी ड्राइवर ओडिशा पुलिस तरफ जो वैकेंसी आसी तो से आप्लाई आपलाइन प्रोसेस रहा है और आप्लाई डेट एट देख पार्थे आपर 11 अक्टोबर स्टार्ट हो अक्टोबर 31 मात्र 20 दिन आपण समय समय देखिए ठीक अच्छे। तो से जल्द ही आपको किसी गोटे करा पड़ो जहाँ प्रोसेस मुझे डिटेल बतईदेवी जो मैंने भी एस सी बिलंग करते ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट कौन देती तो नेक्स्ट ये आप पदवी संख्या देती टोटाल मुझे अलरेडी कही सारी 405 गोटी पदवी। तो गाड़ी चालक जहाँ रही है पीएम टी ड्राइवर एपर युआर कैटेगोरी 216 गोटी पदवी अच्छी एस सी आपर 51 टी और एस टी 138 टी पदवी अच्छी ठीक अच्छे। तो एथे ये देखी पार्थे आप जो खरे लिखाई सामाजिक आर्थिक और अनग्रसर प्रार्थी जहाँकि एस सी बी सी निम्त कौन से पद खाली नोग्यता प्रार्थी मैंने अणसुरक्षित आपने युआर में आवेदन करेंगे कि युआर रुकी क्राइटेरिया फिलअप कर पार्थ्वा दरकार ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आपर पे स्केल सालरी दिए देख पार्थे देन आपर परीक्षार देय आपने जानते परीक्षार कौन भी देय ना ये आप बिल्कुल फ्री अटे। नेक्स्ट एज देती आपर बयस सीमाटे आपने जानते 18-23 वर्ष जहाँकि युआर कैटेगोरी आपर एस सी एस टी पाला 5 वर्ष रिलैक्सेशन ठीक अच्छे। तो ये जो रिलैक्सेशन आपर एस सी बी सी भी मिलवा कथ जोटा कि मिलनी से आमको किसी गोटे करवाक पड़ो ठीक अच्छे। लास्ट मुझे बतईदेवी नेक्स्ट शिक्षागत योग्यता आपने नर्माल आपने 10th क्वाफाए होता दरकार देन आपण पाखे एल एम भी किंबा एच एम भी लाइसेंस थी दरकार ठीक अच्छे। कारण जेहतु ये आप ड्राइवर वैकेंसी आप हाई लाइट मोटर व्हीकल और हाई मोटर व्हीकल लाइसेंस आपने पोस्ट में इलीजेबल आप्लाय करेंगे ना आप्लाय करें जेहतु ये ड्राइवर पोस्ट ठीक अच्छे। आपर एल एम भी किंबा आप एच एम भी आप ट्रांसपोर्टर लाइसेंस थी दरकार अन्ना योग्यता आपने डिटेल देखिपे आपने कौन से दिव्यांग हो नए आपने फिजिकाली फिट थी दरकार ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट ये आपर जो एग्जाम केन्द्र कर 5टा डिस्ट्रिक्ट आपर एग्जाम गुड़ कंडक्ट कराब ये देख पार्थे। तो प्रथम अच्छे जो आपर कोरापुट जयपुर अच्छी नेक्स्ट अच्छे आपर संबलपुर बालेश्वर ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर कटक आपर जो एग्जाम गुड़ कंडक्ट कराब ठीक अच्छे। नेक्स्ट ए सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे आपने रिटिन 7 टाइम पिला आपको पीएम टी डक ड्राइविंग टेस्ट पर डक ठीक अच्छे। तो जिते पे आप सिलेक्शन हे तार आपर 7 गुणा पिला आपर पीएम टी डक ड्राइविंग डक ठीक अच्छे। तो ड्राइविंग आपर कौट हो देख पार्थे प्रथम भुवनेश्वर बालेश्वर संबलपुर ब्रह्मपुर और कोरापुट यही 5टा डिस्ट्रिक्ट आपर ड्राइविंग टेस्ट हम ए जो रिटिन टेस्ट अच्छे से कौन अच्छे आपर ये देख पार्थे लिखित परीक्षा आपर टोटाल पर मार्क हो 50 टी और 60 मिनट ठीक अच्छे। तो 50 मार्क क्वेश्चन आसो और गोटे घंटा आपको टाइम ड्यूरेसन मिली ए प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिली और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन मार्क आप 0.25 4टा भूल कले आपको गोटे मार्क माइनस कराइज ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखिदे ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले और एपर सीबीटी बेस्ड मोड एग्जाम हम जहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम ठीक अच्छे। तो एथेर सिलेबस कौन अच्छी तो सिलेबस देख पार्थे आपने साधारण ज्ञान जहाँ रही बेसिक जिके और इंग्राजी और ओडियार अनुवाद जहाँ रही ट्रांसलेसन रोज ओडिया ग्रामर रोज लॉजिकल रिजनिंग मैथमेटिक्स रोज बेसिक जहाँ आरिथमेटिक रोड सेफ्टी और इनक्लूडिंग रोड साइन रोज बेसिक नॉलेज ऑफ व्हीकल एंड इट्स मेंटेनेंस किसी क्वेश्चन आसी पाए ठीक अच्छे। तो गाड़ी चालक जहाँकि रही है एल एम भी और एच एम भी आपर लाइसेंस थी दरकार जहाँकि आपर आप्लिकेसन आप्लायर ता पूर्व होता दरकार भितर जो आप लर्णिंग लाइसेंस होता है सेटा वैलिड हेबना ठीक अच्छे।
तो डिटेल नोटिस मुझे टेलीग्राम में प्रोवाइड करदेवि से आप पढ़ीपरेंगे ठीक अच्छे। तो शारीरिक मापदक्षता ये देखी पार्थ्य आपंकर जहाँ रही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रोक आपर युआर आप 168 सेंटीमीटर हाइट होता दरकार और ओजन 55 किलो रु एभव होता दरकार और छात्र माम 79-84 जहाँ कि रही आपंकर एक्सपेंडेबल रही दरकार ठीक अच्छे। देन एस एस टी से हिसाब से आपंकर 163 सेंटीमीटर हाइट होता दरकार और ओजन आप 50 केजी एभव होता दरकार और छाती आप 76-81 जहाँकि एक्सपेंडेबल होता दरकार ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आप जो शारीरिक दक्षता और केवल योग्यता भित्तिक अच्छे दौड़ एथे आप जहाँ कि रनिंग अच्छे 16.6 किलोमीटर आपको 7 मीटर क्वालिफाई करा पड़ो देन आप गोटे लंग जम्प अच्छे जहाँकि 3.66 मीटर जहाँकि 12 फुट आपको 3 थर भितर क्वालिफाई करा पड़ो ठीक अच्छे। यहाँ आप लंग जम्प ठीक अच्छे। देन मेडिकल अच्छे तो मेडिकल ये किसी प्रोसेस अच्छे आपको नक्निक हो ना दरकार फ्लाट फुट वेरिकस वेन आप बो लेग दृष्टि सहित आप खराब अच्छे पोअर विजन अच्छी तो से हिसाब से कलर ब्लाइंडनेस फ्लेक्स फिंगर तो यही सब जो थी आपने अप्लाई करूँ कारण मेडिकल आपको काटदे। नेक्स्ट नेक्स्ट एथे एनसी सर्टिफिकेट थी आपको 2 मार्क मिली हाँ एल एम भी आपको 3 मार्क मिली ठीक अच्छे और एच एम भी आपको 5 मार्क मिली यहाँ मन रखिए आप ठीक अच्छे। तो यही 8 मार्क आपको जब एल एम भी आपने क्वालिफाई कर 3 मार्क जब एच एम भी आपने क्वालिफाई कर 5 मार्क मिले देन छाड़ी भी आपड़ी एनसी सर्टिफिकेट अच्छे ए बी कि सी सर्टिफिकेट अच्छे तो से आपको 2 मार्क बोनस मार्क मिलूँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम डिस्कशन करदे जो मैंने भी एससीबीसी बिलंग करते कौन करेंगे ठीक अच्छे। तो मुझे यही प्रोब्लेम आप फायरमैन अलरेडी आगे हो सारी जहाँकि आपने किसी पिला आप जाकि डीजे ऑफिस ग्रीवेंस देलापर आपको 4-5 दिन भितर से एससीबीसी विंडोजा ओपन करदे देन से आप्लाय करते जमी सेम प्रोसेस होता आप फायरमैन ने सेम ये भी प्रोब्लम होती है आप एससीबीसी कौन सी पोस्ट रिजर्व ना देन आप एज लाइसेंस एससीबीसी देना जेहतु पे आप्लाय कर जो मैंने भी 23 वर्ष एबव हो गले तो से आम कौन कर गोटे आप स्वतंत्र व्हाट्सअप ग्रुप खोली ओपन करूँ तो से केवल मैंने जो मैंने भी एससीबीसी बिलंग करते आपर एज 23 वर्ष एबव अच्छे ठीक अच्छे केवल से ही जॉइन करेंगे। देन आ गोटे कथा कहीदे जो मैंने भी जॉइन करेंगे आपने ट्राए करेंगे डीजे ऑफिस को जीपाई जो मैंने भी कटक भुवनेश्वर कि भद्रक जाजपुर बिलंग कर पाख डिस्ट्रिक्ट बिलंग कर आपण मैंने मंडे दिन पीएमपी ड्राइवर जो आपफिटी अच्छी आपफेयर जो कटक अफिस् अच्छी तो से आपने ट्राए करूँ मंडे दिन 10 सुधा पहुँचापी आपण मैंने समस्ते ट्राए करूँ तो आम मैंने डीजे ऑफिस समस्ते जाऊँ से ग्रेभरेन्स दवापी जो मानकर भी एज आपको मिले ना तो से कमी कौन आप एससीबीसी विंडोटा ओपन करेंगे देन आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे। तो एपाई भी आपुना तो समस्ते ट्राए करूँ आसापी देन ये व्हाट्सअप ग्रुप आपने जॉइन हो जातु मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करदेवी तो से आपको डिटेल प्रोसेस और सविशेष बरण मिल जाए ठीक अच्छे। तो ये जो मैंने भी आपंट आपज लाइसेंस मिलू आप्लाय करने को चाहते तो जल्दी ही आम ग्रुप जॉइन कर जातु मुझे टेलीग्राम लिंक तले डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करदेव विथ आप व्हाट्सअप लिंक आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करदेवि ठीक अच्छे। तो से आपको डिटेल इनफर्मेशन मिल जाव तो यह डिटेल नोटिफिकेशन जहाँ कि पीएमपी ड्राइवर वैकेंसी विषय तो आशा करूँ इनफर्मेशन आपको भल लगी तो जो मैंने भी चैनल न्यू अच्छा चैनल को गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँफल कि यह इंपोर्टेंट इनफर्मेशन आपने सर्वप्रथमें पारे तो रही जय जगन्नाथ।